गुरुवार को देर शाम भाजपा ने अपने अधिकृत पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं सूची जारी होते ही विरोध भी होना शुरू हो गया है। सबसे खास बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले भाजपा में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। भाजपा की पूर्व पार्षद, पूर्व मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा जिला कार्यकारिणी सदस्य ललिता सुलाकिया ने अपने सभी पदों से समर्थकों के साथ त्यागपत्र दे दिया। टिकट नहीं मिलने वाले दावेदारों ने गुस्सा दिखाया है। उन्होंने कहा कि नगर में कई वार्डों में सर्वे पर्यवेक्षकों को जमीनी स्थिति के बाहर जाकर अपने अपने समर्थकों को टिकट बांटे गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में पैसे वाले चापलूस स्वार्थी लोगों की जगह हो गई है, वहीं समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, जिसका परिणाम आगामी निकाय चुनाव में भाजपा को झेलना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि ललिता सुलाकिया वार्ड क्रमांक 5 से दावेदारी कर रही थी। उनका नाम संभावित अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के लिए चल रहा था। यहाँ से भाजपा ने प्रेमलता राकेश गहलोत को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी में जी जान लगा के जो भी उन्होंने दायित्व दिया है उसमें मैंने कार्य किया है। आज बेटमा में मैंने 5 नंबर वार्ड से जो है टिकट मांगा, तो उसके लिए मुझे पिछड़ा वर्ग महिला होने के बावजूद भी टिकट नहीं दिया गया है। कुल मिला के ये एक कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता की अपेक्षा की गई है। यदि इसी प्रकार से पैसे और चापलूसी के माध्यम से टिकट चलते रहे तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले भविष्य में खामियाजा इस चीज का जरूर भुगतेगी, ऐसा मुझे लगता है। और मेरा भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतने दायित्व दिए, उसके बावजूद भी एक पार्षद के टिकट के लिए मेरा नाम लिस्ट में से हटाया गया है या नहीं दिया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी से मैं यही अपेक्षा करती हूँ कि मुझे उसका कारण बताइए। और बाकी मैंने जो अभी तक सेवाएं दी है, बस इसके आगे मैं भारतीय जनता पार्टी को अपने माध्यम से कोई भी सेवा नहीं दे सकती हूँ।